हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिफेंस स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम फिर से आ चुके हैं आपके सामने एक और सेशन के साथ। आज का हमारा सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का हमारा जो सेशन है वो मैथमेटिक्स का है दोस्तों। जैसा आपने थंबनेल देखा है वही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे दो सेशन हो चुके हैं थ्योरेटिकली। ये हमारा लास्ट फाइनल तीसरा पार्ट नंबर 3 और लास्ट फाइनल सेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप NDA एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सेशन होने वाला है काफ़ी महत्वपूर्ण। अगर आपने हमारे पहले के सेशन नहीं देखे हैं मैथमेटिक्स के, तो पहले जाइए, आपको इस साइड में दो थंबनेल दिखाई दे रहे होंगे, पहला और दूसरा। दोनों थंबनेल वाले वीडियोज को जाकर पहले चैनल पर देख लीजिए। दोनों वीडियो देखने से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर लगभग क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में ये वाला जो वीडियो है वो पूरा देख के अपने नोट्स बनाइए, और फिर आपको जो PDF फाइल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको वो फाइल मिल जाएगी। तो कोई बात नहीं, चलिए वीडियो जो को भी देख लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारा सेशन, आज का हमारा वीडियो। तो चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की हम लगभग मोस्ट ऑफ बात कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, लास्ट में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन आपको करना था कि वो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो AP में होती है, GP में होती है या HP में होती है, वो आपको बताना था। तो वो शायद आपने सॉल्व कर लिया होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन है इसी का पार्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की, इस सेशन की। बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखें, क्योंकि पूरा देखने पर ही आपको समझ में आने वाला है कि क्या मुद्दा है इस वीडियो के अंदर, क्या कराने वाले हैं हम। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता दूं कि हम क्या टॉपिक करने वाले हैं। देखिए, आप सामने देख सकते हैं द्विघात समीकरण AX2 + BX + C = 0 के मूल, ओके, के मूल अल्फा तथा बीटा है तब वह द्विघात समीकरण जिसके मूल निम्न है। क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से होगा। आपको क्वेश्चन क्या देगा कि किसी द्विघात समीकरण AX2 + BX + C = 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है, तो आप वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल आपको दे दिए जाएंगे। तो आप कैसे उसे ज्ञात करेंगे, इसमें हम कैसे करेंगे, क्योंकि एक द्विघात समीकरण आपको पहले से दी जाएगी, उसके मूल आपको बता दिए जाएंगे, दूसरी इस द्विघात समीकरण के मूल भी आपको बता दिए जाएंगे। आपको वो द्विघात समीकरण फाइंड आउट करनी है, बनानी है, निकालनी है। तो हमारे पहले द्विघात समीकरण का दूसरे द्विघात समीकरण के जो मूल हैं उन दोनों का एक रिलेशन होगा पहले से आपस के अंदर, तो हम उसे निकाल पाएंगे। तो हेडिंग आपको जो सामने लिखी हुई है, यही हेडिंग आपको डालनी है अपनी नोटबुक में, ये हेडिंग डाल दीजिए। और उसके बाद में हम जो हमारी पहली कंडीशन है, अगर आपको कह दिया जाए कि ये द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है, तो आपको कहा जाए कि जो दूसरे द्विघात समीकरण के मूल आपको 1/α तथा 1/β अगर आपको दे दिए जाए, तो वह द्विघात समीकरण हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम कर रहे हैं, सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हम इन दोनों में से किसी भी एक मूल को ले लेते हैं, ओके। तो 1/α मैंने ले लिया, को हमने x बराबर मान लिया दोस्तों, ओके। तो हमने इसको x बराबर माना है, हम इसे आगे सोल्व करेंगे, तो अल्फा का मान हमें निकालना है। तो अल्फा बराबर हमारा हो जाएगा 1/x, यहां तक आपको केवल सोल्व करना है। तो 1/α जो आपका मूल है उसके बराबर हमने x माना, क्योंकि x का मान ही होता है। मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण के मूल हम कैसे ज्ञात करते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र से, और श्रीधराचार्य सूत्र जो x2 है वहां x का मान ही होता है जो हमारा उससे आता है। तो हमारा x का मान हो गया 1/α, यहां से अल्फा का मान 1/x हमारा आ चुका है। तो आपको करना क्या है, जो आपका द्विघात समीकरण में x लिखा हुआ है उसकी जगह आपको 1/x जो वैल्यू है वो पुट कर देनी है, रख देनी है, ओके। आपका जो द्विघात समीकरण है, जो पहले द्विघात समीकरण आपको दिया गया है एक नंबर, उस द्विघात समीकरण में x की जगह आपको 1/x² लिख देना है और उसको पूरे को बना देना है, तो वही आपकी जो समीकरण होगी दोस्तों। चलिए बात करते हैं, इसी तरह आपको दूसरे को करना है 1/β को। तो बात करते हैं अब दूसरी हमारी जो कंडीशन है, अगर आपके मूल आपको K α तथा K β दे दिए जाए, तब आप कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। तो हमारा देखिए, K α = x मैंने मान लिया, जब आगे सोल्व करते हैं तो अल्फा बराबर हमारे जो वैल्यू होती है वो होती है x/k। तो अब हमें क्या करना है, x की जगह हमें यहाँ पर x/k पुट करना है दोस्तों। द्विघात समीकरण में आपको x की जगह x/k पुट कर देना है और वो द्विघात समीकरण फाइंड आउट कर लेनी है, निकाल लेनी है। तो दो कंडीशन मैंने आपके सामने रख दी है, इन दोनों को नोट कर लीजिए वीडियो को पुश करके, बाकी आगे की कंडीशन की हम बात कर रहे हैं जल्दी। तो चलिए नोट कीजिए सबसे पहले इसको,
तो आपने नोट कर लिया होगा इन्हें, तो मैं इन्हें मिटाने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को पुश कर लीजिएगा यहीं पर, मैं साफ कर रहा हूँ इसे। हमारी दो कंडीशन हो चुकी है, वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए करेगा अगर आपको हेल्प मिलती है तो। तो चलिए अगर हम बात करें हमारी तीसरी कंडीशन, अगर आपको दी जाती है क्यू बटा अल्फा तथा क्यू बटा बीटा, अगर आपको हमारी तीसरी कंडीशन इस प्रकार के आपको अगर मूल दिए जाते हैं और वो द्विघात समीकरण पूछी जाती है तो आप कैसे सोल्व करेंगे, तो हम क्यू बटा अल्फा बराबर एक्स मानते हैं। हमारी सेम प्रोसीजर है सभी का सोल्व करने का, तो क्यू बटा अल्फा बराबर एक्स, और यहाँ पे हमारा अल्फा बराबर आ जाता है दोस्तों क्यू बटा एक्स। ओके, तो हम एक्स की जगह यहाँ पर रख देंगे क्यू बटा एक्स दोस्तों, द्विघात समीकरण में हम ये मान रखेंगे एक्स की जगह क्यू बटा एक्स और हमारी द्विघात समीकरण आ जाएगी। अगर बात करें हम हमारी चौथी कंडीशन की, हमारी चौथा जो स्थिति है वो हमारे सामने क्या होगी, तो वो है हमारे सामने अल्फा प्लस के तथा बीटा प्लस के। अगर इस प्रकार के आपको मूल दे दिए जाते हैं और आपसे पूछी जाती है तो आप कैसे करेंगे उसे सोल्व, तो अल्फा प्लस के हमने मान लिया बराबर एक्स होता है, और यहां से सोल्व किया तो अल्फा बराबर हमारे सामने आएगा एक्स माइनस के। तो आपको आसानी से एक्स का मान मिल गया, तो एक्स का मान आपको क्या रखना है एक्स माइनस के। देखिए सभी का बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूं। तो आपको सभी को जो मूल है, आपको जो मूल दिए गए हैं नए वाले रूट जो मूल दिए गए हैं उनको आपको x के बराबर करना है, और वहां से आपको मूल की वैल्यू लेनी है और वो द्विघात समीकरण में x की जगह पुट कर देनी है। तो सेम प्रोसीजर, ये दो कंडीशन भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में हमारी एक कंडीशन और है लास्ट, वो कंडीशन भी मैं आपको यहाँ पर ऊपर नोट कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन को आप यहाँ पर लिख लीजिएगा इसके साथ में। अगर आपको अल्फा माइनस के तथा बीटा माइनस के मूल दे दिए जाए तो आप उसे कैसे सोल्व करेंगे, तो आप उसे करने वाले हैं अल्फा माइनस के बराबर एक्स, और जब आगे सोल्व करते हैं तो अल्फा बराबर एक्स प्लस के होगा, तो आपको एक्स की जगह एक्स प्लस के वैल्यू रख देनी है। ओके, तो हमारी जो पांच कंडीशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखाई देता है या मिलता है कि किसी द्विघात समीकरण के मूल आपको दे दिए जाते हैं और आपको दूसरी द्विघात समीकरण के मूल भी देकर दूसरी द्विघात समीकरण अगर पूछी जाती है तो आप इस तरीके से उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। पहली द्विघात समीकरण के मूल और दूसरी द्विघात समीकरण के मूल जो आपको दिए गए हैं उनमें एक रिलेशन होता है, तो हम उस रिलेशन से ही इसको ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे साफ करने वाला हूँ, वीडियो को यहीं पर पुश कर लीजिए और इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, आपको समझ में होगा। अगर कोई डाउट होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में ऐड कर दीजिए आप। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो चलिए मैं इसे साफ कर रहा हूं। ओके, तो ये हमारा ये टॉपिक हो चुका है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आपने पिछले वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो आपको समझने में काफी प्रॉब्लम होगी, तो पहले उन वीडियोज को जाकर जरूर देखें ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब आपको नेक्स्ट इसके मैं क्वेश्चन आपको जब हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा उसमें करवाऊंगा, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं लेंगे हम। तो चलिए अब अगली आपको हेडिंग डालनी है। अब आपको हेडिंग डालनी है कि यदि दो द्विघात समीकरण के मूल समानुपाती होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। दो द्विघात समीकरण, आपको ये लाइन क्वेश्चन में दी जाएगी कि दोनों द्विघात समीकरण के मूल समानुपाती हैं, एक दूसरे के इतने समानुपाती हैं, इतना गुणा है, आपको दे सकता है दोस्तों। तो दो द्विघात समीकरणों के मूल, मैं आपके सामने हेडिंग लिख रहा हूं, यदि द्विघात समीकरण ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन बराबर जीरो तथा ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू जीरो के मूल समानुपाती हो तो। देखिए क्वेश्चन ही बोल दीजिए या हेडिंग बोल दीजिए, वो मैंने आपके सामने लिख दी है। यदि द्विघात समीकरण ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू जीरो तथा ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू जीरो के मूल समानुपाती हो तो हम क्या करेंगे दोस्तों। तो हम यहां पर करने क्या वाले हैं, देखिए
बी वन स्क्वायर माइनस फोर ए वन सी वन इक्वल्स टू जीरो होता है, नहीं होता है आपको पता है, आपको अच्छे से पता है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए वन सी वन इक्वल टू जीरो। मैंने डी बराबर आपको लिखवाया था कि डी बराबर होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है हमारा डी बराबर, तो वही मैंने लगाया है डी बराबर। तो हमारे पहले समीकरण में हमारी बी की वैल्यू है बी वन तथा ए की जगह ए वन और सी की जगह सी वन है दोस्तों। तो हमारा पहले समीकरण से हो गया, ये हो गई हमारा पहला समीकरण बी वन स्क्वायर माइनस फोर ए वन सी वन बराबर जीरो। अब दूसरे समीकरण से हमारा आता है बी टू स्क्वायर माइनस फोर ए टू सी टू बराबर जीरो, हमारा ये होगी दूसरी समीकरण। तो पहली समीकरण से मैंने लिखा बी वन स्क्वायर माइनस फोर ए वन सी वन बराबर जीरो तथा दूसरी से लिखा है बी टू स्क्वायर माइनस फोर ए टू सी टू बराबर जीरो, ये मैंने दोनों समीकरणों से लिखा है। अब मैं इसे आगे सॉल्व करके क्या लिख सकता हूँ, इसी को देखिए, इसको मैंने आगे लिख दिया बी वन स्क्वायर बराबर फोर ए वन सी वन तथा इससे मैंने आगे लिखा है बी टू स्क्वायर बराबर फोर ए टू सी टू। ओके, इन दोनों को मैंने बस बराबर में इनको थोड़ा सा सोल्व किया है आगे और यहाँ पर लिख दिया है। अब हम यहाँ पर इन दोनों को सॉरी अब इन्हें समीकरण ना मानकर इन्हें मान लेते हैं, एक नंबर हो गया दो नंबर। अब हम समीकरण एक बटा समीकरण दो जब करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास होगा बी वन स्क्वायर बटा बी टू स्क्वायर बराबर चार से चार हमारा कट जाएगा फोर ए वन सी वन बटा फोर ए टू सी टू, तो चार से चार हमारा यहाँ पर कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर हमारा यहाँ पर सॉरी स्क्वायर से स्क्वायर हमारा नहीं कटेगा। ओके, तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे यहाँ पर लिख देते हैं बी वन स्क्वायर बटा बी टू स्क्वायर बराबर फोर ए वन सी वन बटा सॉरी ए वन सी वन बटा ए टू सी टू। तो ये हमारा जो आया है संबंध, इस संबंध को आपको याद रखना है, आपको नोट करना है। हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको देखिए, सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या थी कि यदि द्विघात समीकरण ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू जीरो तथा दूसरे द्विघात समीकरण ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू जीरो के मूल समानुपाती हैं, तब तब हमसे कुछ संबंध पूछे जाते हैं या फिर कुछ मान पूछा जाता है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको सबसे पहले बी वन स्क्वायर माइनस फोर ए वन सी वन इक्वल टू जीरो करना है, दूसरी समीकरण में बी टू स्क्वायर माइनस फोर ए टू सी टू इक्वल टू जीरो करना है। जब आप इन दोनों को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो बी वन स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वन सी वन हमारा पहला समीकरण, बी टू स्क्वायर इक्वल टू फोर ए टू सी टू हमारा दूसरा समीकरण। हमने समीकरण एक बटा दो किया तो बी वन स्क्वायर बटा बी टू स्क्वायर बराबर फोर ए वन सी वन बटा फोर ए टू सी टू और फोर से फोर कैंसिल होता है, तो हमारे पास सामने जो रूप निकल कर आता है वो है हमारा बी वन स्क्वायर बटा बी टू स्क्वायर बराबर ए वन सी वन बटा ए टू सी टू। तो इसकी सहायता से आप हमारा इस फॉर्मेट को सोल्व कर पाएंगे दोस्तों, तो इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को यहीं पुश कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अभी हमने बात की थी कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, तो एक द्विघात समीकरण के मूल दूसरे द्विघात समीकरण के मूल समानुपाती होते हैं तो हम क्या करेंगे, अभी बी वन स्क्वायर बटा बी टू स्क्वायर बटा बराबर ए वन सी वन बटा ए टू सी टू से हम ज्ञात कर सकते हैं, जो भी आपसे जो संबंध पूछा जाएगा वो ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी कुछ इसी टाइप का है, तो देखिए टॉपिक मैंने ऊपर लिख दिया है, आप देख सकते हैं एक मूल दूसरे का के गुणा होने पर। ओके, आप समझ सकते हैं एक मूल दूसरे का के गुणा होने पर। अब हमारे पास दो समीकरण नहीं केवल एक ही द्विघात समीकरण है और उसका एक मूल दूसरे का के गुणा है दोस्तों। तो देखिए द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का एक मूल दूसरे का के गुणा है, तब हम क्या करने वाले हैं, कैसे आपको सॉल्व करेंगे। ये लाइन आपको क्वेश्चन के अंदर पहले से दी जाएगी, तो आपको उसे समझना है, पकड़ना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो चलिए कैसे करने वाले हैं, अगर हमारी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का एक मूल दूसरे का के गुणा है, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों इसको, हम सॉल्व करेंगे k प्लस वन का होल स्क्वायर, k प्लस वन का होल स्क्वायर बटा k बराबर b स्क्वायर अपॉन ए सी। ओके, देख लीजिए सामने, अगर हमारे किसी आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि किसी द्विघात समीकरण के मतलब इस समीकरण का एक मूल दूसरे का तीन गुना चार गुना पांच गुना नौ गुना दस गुना या k गुना जितना गुना भी है, तो हम उसे कैसे सोल्व करेंगे, k प्लस वन जितना गुना है k प्लस वन का होल स्क्वायर बटा k बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए सी। तो k क्या है, जितना गुना है वो हमें वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। तो आपका ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मेट है, ये आपको याद रखना है, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो इसे जरूर याद रखिए, नोट कीजिए जल्दी से इसको।
इसी के साथ अब हम बात करेंगे हमारा एक और सेकंड फॉर्मेट जो है दोस्तों, इसी के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि आपको द्विघात समीकरण के मूल हमें केवल के गुना दिया गया है, लेकिन आपको अगर वहां पर दे दिया जाए कि द्विघात समीकरण के मूल p अनुपात q में है, कि 2:3 में है उसके मूल, 5:6 में है, ऐसे आपको काफी बार दे दिया जाता है तो वहां पर फंस जाता है हमारा दिमाग, तो उसमें हम क्या करने वाले हैं, तो लिखिए यहां पर द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल पी अनुपात क्यू के अनुपात में हो तब, पी अनुपात क्यू के अनुपात में होते हैं तब हम क्या कर सकते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए, तो ध्यान से देखिए यहां पर और समझ जाइए हम क्या करने वाले हैं, लाइक सेम टू सेम इसी की तरह ये प्रोसेस है हमारी, तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर बटा पी क्यू बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए सी, तो ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है, फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा और नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं उसको यहां पर लिख देता हूं, ओके, तो यहां पर भी लिख देता हूं, हम लिखेंगे p प्लस q का होल स्क्वायर बटा p q बराबर v स्क्वायर अपॉन ए सी, ये वाला फॉर्मूला है हमारा यही, ओके, तो देखिए p प्लस क्यू कितना अनुपात है, अगर आपको 2:3 दिया जाता है तो 2+3 का होल स्क्वायर बटा 2×3, ओके, के होता है तो उसकी जगह के रख दीजिए, लाइक दिस हमारी सिमिलर ही फॉर्मूला है, तो इसे नोट कीजिए, ये हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये हमारी एग्जाम के लिए, यहाँ से काफी बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हमारे काफी बार क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो इसे यहीं पर मैं साइड में होता हूँ, आप इसे यहीं पर पुश कर लीजिए और इसे साथ साथ नोट करते रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई क्वेश्चन होता तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों, आपका सपोर्ट ही मुझे बार बार वीडियो बनाने के लिए थोड़ा मोटिव करता है, तो चलिए आपने नोट कर लिया होगा या फिर यहीं पर वीडियो को पुश कर लीजिए, मैं इसे साफ कर रहा हूं, तो चलिए मैं साफ कर रहा हूं इसे, अभी हम जल्द ही इस टॉपिक को पूरा कर देंगे, हमारे लास्ट बस 2 छोटे-छोटे टॉपिक और बचे हैं, उसके बाद में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों वो है हमारे द्विघात समीकरण, आपको काफी बार क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि द्विघात समीकरण के मूल उभयनिष्ठ होंगे तब आपको क्या कर सकते हैं, अगर आपको दे दिया जाए कि एक मूल उभयनिष्ठ है 2 मूल उभयनिष्ठ है तो उसके लिए हमारी अलग अलग प्रोसेस होगी, तो पहले आप हेडिंग डाल दीजिए कि मूल उभयनिष्ठ होने पर, ओके, मूल उभयनिष्ठ, मूल उभयनिष्ठ होने पर, यह है हमारी हेडिंग, अगर आपको क्वेश्चन में मूल उभयनिष्ठ होने का, अगर उभयनिष्ठ होने का नाम भी दिखाई दे जाए तो आपका सीधा दिमाग जो है, आपके दिमाग की जो वायर है वो यहां तक आ जानी चाहिए, हाँ सोचना आपको दिमाग में जल्दी से आ जानी चाहिए कि हाँ हमने ये टॉपिक पढ़ा था कहीं पर, मूल उभयनिष्ठ होने पर, अब मूल उभयनिष्ठ होने पर तो पहला आता है एक मूल उभयनिष्ठ होने पर, हमारा एक मूल उभयनिष्ठ एक मूल उभयनिष्ठ होने पर हम क्या करेंगे दोस्तों, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, पहला हमारा है एक मूल उभयनिष्ठ होने पर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर, एक मूल उभयनिष्ठ होने पर हमें क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, आपको 2 द्विघात समीकरण दे दी जाएंगे और दोनों में से आपको कहा जाएगा कि दोनों द्विघात समीकरण में से एक द्विघात एक मूल उनका उभयनिष्ठ है, तो चलिए नोट कीजिए, यदि द्विघात समीकरण a1x² + b1x + c1 = 0 तथा a2x² + b2x + c2 = 0 का एक मूल उभयनिष्ठ हो तो, का एक मूल उभयनिष्ठ हो तो हम सबसे पहले हमारी जो स्टेप होगी मैं वैसे लिख देता हूं, सो फर्स्ट स्टेप होगी आपकी क्या होगी,
एक्स स्क्वायर के गुणांक को समान कर घटा देना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास जो दोनों द्विघात समीकरण दी गई है उन दोनों द्विघात समीकरण में आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है। अगर वो गुणांक पहले से समान है तो उसे नहीं करना, आपको डायरेक्ट घटाना है। अगर वो समान नहीं होता है तो उन दोनों को जो भी जिस भी पार्ट से गुणा होता है उसको गुणा करना है और आपको दोनों को समान करके घटा देना है। एक्स स्क्वायर के गुणांक को समान करके घटा देना है। पहली स्टेप हमारी क्या है कि आपको एक्स स्क्वायर के गुणांक को समान करके घटा देना है। तो आप इसे जल्दी से यहां तक नोट कीजिए, क्वेश्चन आपका इसी तरीके से बनेगा कि यदि किसी द्विघात समीकरण a1x2 + b1x + c1 = 0 तथा b2x2 + b2x + c2 = 0 का एक मूल उभयनिष्ठ है तो हम क्या करेंगे, पहली हमारी स्टेप होगी x2 - x2 के जो गुणांक है हम उन्हें चेक करेंगे, अगर वो समान है तो उन्हें डायरेक्ट घटाएंगे और समान नहीं है तो समान करके हम उन्हें घटा देते हैं, जिससे हमारी जो सेकेंड स्टेप होती है हमें यहां से क्या होता है, एक x का मान प्राप्त होता है और x का मान निकालना है। हमें यहां से पहली स्टेप से ही एक्स स्क्वायर के गुणांक को जब समान करके घटाते हैं तब आपको एक x का मान प्राप्त होता है। तो x का मान हमें निकालना है दूसरी स्टेप में। x का मान निकालने के बाद आपको तीसरी स्टेप में, यहां पर लिख रहा हूं, तीसरी स्टेप में आपको x का मान एक समीकरण में रखना है। ओके, x का जो मान आपने जो निकाला है वो आपको किसी भी एक समीकरण में रख देना है। जब आप वो मान किसी भी एक समीकरण में रखेंगे तो आपको जो मान पूछा जाता है क्वेश्चन में वो आपके पास आ जाएगा, सीधा ही बिल्कुल आ जाएगा। जो भी वैल्यू आपसे, जो रिलेशन, जो संबंध आपसे पूछा जाता है वो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। लेकिन स्टेप आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली स्टेप एक्स स्क्वायर के गुणांक को चेक करना है, अगर वो समान होता है तो उसे माइनस करना है, समान नहीं होता है तो उसे गुणा करके समान करके हमें घटाना है। एक्स का मान वहां से प्राप्त होता है, स्टेप्स में एक्स का मान निकालना है, तीसरे स्टेप में एक्स के मान को किसी भी एक समीकरण में रख देना है और जो संबंध हमसे पूछा जाता है वो निकाल लेंगे। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस हो चुकी है। अगर आपका एक मूल उभयनिष्ठ होता है तब हम ऐसी ये प्रक्रिया अपनाने वाले हैं, ये प्रोसेस हमारी होगी। तो आप यहीं पर वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। हमारी जो नेक्स्ट जो है वो है दोस्तों, अगर हमारे दो मूल उभयनिष्ठ होते हैं तब हम क्या करेंगे, दोनों मूल ही समान होते हैं, उभयनिष्ठ हो जाएंगे, तब हम क्या करने वाले हैं। तो चलिए मैं इसे मिटाने जा रहा हूं, जल्दी से आप यहीं पे पुश कर लीजिए वीडियो को। तो अब हमारा आज का लास्ट जो टॉपिक है, हमारा चैप्टर इस टॉपिक के बारे में खत्म हो जाएगा। तो आप वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो आपको वास्तव में कुछ लगा होगा कि कुछ हमने पढ़ा है इस वीडियो के अंदर, कुछ किया है। दोनों मूल उभयनिष्ठ होने पर हमारी जो दूसरी है वो है दोनों मूल उभयनिष्ठ होने पर, दोनों मूल उभयनिष्ठ होने पर। तो दोनों मूल उभयनिष्ठ होने पर हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले मैं आपको लाइन लिखा देता हूं, वही द्विघात समीकरण a1x2 + b1x + c1 = 0 तथा a2x2 + b2x + c2 = 0, ठीक है, 0 के दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं। तो उभयनिष्ठ है तो हम क्या करने वाले हैं, क्या तरीका हमें अपनाना है कि हम उसे आसानी से सॉल्व कर सके। तो हमारा जो तरीका है वो तरीका बिल्कुल इजी है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आपको कर देना है और आप जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो आसानी से आप निकाल लेंगे यही करने के बाद। तो दोस्तों हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो हमें अब आगे और करने की इसमें जरूरत नहीं है,
अब इसके बाद में आपका जो सेशन आने वाला है वो सेशन आएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो प्रैक्टिस सेशन होगा वो होगा, तो उसमें हम हर एक टॉपिक से रिलेटेड एक एक दो दो क्वेश्चन उसमें करेंगे। बाकी अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास जो कोई भी बुक है वहां से प्रैक्टिस कीजिए, उसके सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तब आपको पता लग पाएगा। सबसे पहले आपकी जो प्रोसेस होनी चाहिए पढ़ने की वो कैसे होनी चाहिए, सबसे पहले आपको पूरे वीडियो को एक बार देखना है, जितने भी हमारे 3-4 सेशन है सभी को एक बार देखिए, साथ साथ उनके नोट्स बनाते जाइए, समझते जाइए, जो करवा रहा हूँ वो करते चलिए। उसके बाद में अपनी नोटबुक उठाइए, वहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर या तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं पहले डाल चुका होता हूँ। अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं ग्रुप को तो आपको नहीं मिल पाती है, तो आप मुझे मैसेज कर दें कि पीडीएफ फाइल सेंड कीजिए तो मैं आपको भेज दूंगा। ओके, तो वहां से आप फाइल लीजिए पीडीएफ फाइल और फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें आपका कोई क्वेश्चन होता है तो, और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। दोस्तों आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो यहीं पर वीडियो को रोक लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पुश कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक और दमदार वीडियो के साथ, मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह, तो चलते हैं, जय हिंद दोस्तों।